अबाउट क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, उसी के थ्रू आपको पेयर कॉपी अपनी कंप्लीट करना है, जिसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे और सॉल्यूशन भी रहेंगे। वैसे तो चैप्टर 1 आपका हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर नेम इज नोइंग अवर नंबर्स, क्लास 7। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है नोइंग अवर नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग प्लस माइनस, लेकिन आप थोड़ा बड़ा रूप उसका। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1 में। जो पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं। जहां पर भी नेगेटिव चीज होती है वहां पर माइनस का साइन होता है, जहां पर हमें पॉजिटिव चीज लगती है वहां पर प्लस का साइन होता है। जैसे कि हम ऊपर जा रहे हैं यानी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो प्लस में होगा, यदि नीचे गिर रहे हैं फॉल्स में जा रहे हैं तो माइनस का साइन होगा। यदि हमारे नंबर अच्छे आए हैं, यदि हम पास हुए तो हमें पॉजिटिव मिलती है चीजें, यदि हम फेल होते हैं तो हमें नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो इसी की टाइप टेम्परेचर को ले लेते हैं। टेम्परेचर कभी हाई होता है तो पॉजिटिव में रहेगा, लो होगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। मान लो हम बैंक गए, बैंक में हमने अगर पैसे जमा करें तो पैसे हमारे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वे में जाएगा, यदि हम निकाल लेते हैं तो कम होते हैं तो वो नेगेटिव वे में चले जाएगा। तो इसी टाइप से प्लस माइनस का हमको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटा सा भी साइन मिस्टेक पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर देगा, हमारा आंसर उसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस इंटीजर के बारे में आप समझ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव भी मैंने आपको समझा दिया। नाउ आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। विच टेम्परेचर इज हाई, दोनों में से कौन सा टेम्परेचर हाई होगा। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी माइनस में वैल्यू होगी तो वो हमेशा लो होगी, कम होगी यानी स्मॉलर होगी, और जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। अब मान लो दो माइनस आ रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूजन होगा, -8 -9। अब आप बताएंगे कि इनमें से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। तो हम क्लियर करेंगे जो सबसे छोटा नंबर होगा वही बड़ा होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, माइनस के साइन में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस की वो सबसे बड़ी होती है, क्लियर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है अधिकतर स्टूडेंट को, वो मैंने क्लियर कर दिया है। प्लस माइनस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव में ऑलवेज पॉजिटिव ही बड़ा रहेगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यदि इस टाइप से ब्रैकेट में दिया हो तो उसे बाहर निकालना है। कैसे, डायरेक्ट आप उसे बाहर निकाल सकते हैं प्लस के साथ, ठीक। और माइनस की भी वैल्यू होगी तो वो भी प्लस के साथ बाहर निकलेगी एब्सोल्यूट में से। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन। आपको कुछ ऑपरेशन दिए रहेंगे इस टाइप से, आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, ये हम 6th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो एक ही साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दोनों माइनस हो गए, जीरो बनाएंगे। तो इस टाइप से आपको कुछ ऑपरेशन दिए रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना है और अपने फेयर कॉपी में राइट करना है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4th भी एडजेक्टिव से, यदि दो साइन आपको एक साथ दिखते हैं तो उसमें से कोई सा एक आपको लगाना है। और हमेशा एक चीज याद रखना, प्लस या माइनस करते वक्त जो भी आपका आंसर होगा तो ऑपरेशन में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसी का साइन आपको लगाना है। ये चीज क्लास 6 में अच्छे से समझाती थी, आप अभी भी समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सबट्रैक्ट करना है यदि फ्रॉम दिया हो, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हो, 8 from 10, इसका मतलब है आपको फ्रॉम के बाद का भी डिजिट सबसे पहले लिखनी है, देन माइनस का साइन, देन 8, ठीक है। मान लो यहाँ पर माइनस होता तो इस टाइप से लिखते हैं 10 फ्रॉम की जगह माइनस, देन ब्रैकेट में 8, ठीक है। आपको जो फर्स्ट नंबर है उसको ब्रैकेट में डालना है यदि साइन हो, क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करने का तो बोल रहा था लेकिन माइनस माइनस प्लस होके वो 18 लगा रहा है, ठीक है। तो प्लस हो सकता है, कंफ्यूज ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्किंग आपको लगानी है, ठीक है। वॉकिंग 18 यार्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड आया पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस में जाएगा, आगे जा रहे हैं तो प्लस में आएगा, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो वाले नीचे, वही मैंने बोला जब भी नेगेटिव मार्किंग आएगी तो आपको नेगेटिव
वर्ड्स मिलेंगे तो वो आपको कैच करना है और उसके अकॉर्डिंगली साइन लगाना है। तो एक्सरसाइज 1.1 इस टाइप से फिनिश होगी। जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में हमें पूरा चैप्टर फिनिश करना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद इन -1 इज 75। आपको दो नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें भी बेसिक है, मेन पॉइंट इज यहां पर क्या होगा कि जो भी आपका आंसर होगा तो उसमें बड़ी या छोटी डिजिट नहीं देखी जाएगी, आपको डायरेक्ट यही चीज चेक करनी है। प्लस प्लस है कि दो साइन है तो डायरेक्ट आंसर में प्लस लगाना है, माइनस माइनस है तो प्लस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया था -1 × 75, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का साइन लगेगा 75। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर बड़ी डिजिट नहीं देखी जाएगी, बड़ी डिजिट केवल एड में और सब्ट्रैक्ट में देखी जाती है, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे मल्टीपल है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है -2 × -5 × -7, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना, फर्स्ट 2 का कर लो, देन जो भी आंसर आया उसका 7 से कर लो। साइन का ध्यान रखना, साइन कैसे लगाना है। तो इसी टाइप से आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी फिनिश हो जाएगी। नाउ 1.3 में डिवाइड है, जैसे कि 1.1 में प्लस माइनस हो गया, 1.2 में मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन 1.3 आपकी डिवाइड किया गया। डिवाइड भी आपको एज इट इज करना है, इसमें भी आपको बड़ी डिजिट का साइन नहीं लगाना है, जो लग रहा है आपको एज इट इज उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। नाउ 1.4 बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मैम ने बताई होगी प्रीवियस वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। एडिटिव आइडेंटिटीज, इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, एक दो क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में करवाए भी होंगे, आप वो देख सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.5 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट दिया रहेगा, आपको सॉल्व करके उसमें वैल्यू पुट करनी है। नाउ एक्सरसाइज 1.6 इज लास्ट और वर्ड्स प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दी हुई है, ये दी हुई है 1.6, ये मैंने सॉल्व की हुई है, इसकी मैं पीडीएफ आज आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेंगे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू -144 टू मेक -112। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, -144 में क्या ऐड करेंगे तो -112 आएगा। हमें नहीं पता क्या ऐड करेंगे इसलिए हम हमेशा x ले लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू उधर जाएगी तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो उधर जाकर प्लस बनाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 112 प्लस 144। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, सेम क्वेश्चन, आपको x लेना है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज दिस, वन इज दैट, फाइंड द अदर इंटीजर, अदर इंटीजर निकालना है तो भी सेम करना है। इन सारे क्वेश्चनों में आपको x लेना है, ये मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो आज आपका वन चैप्टर इसी टाइप से फिनिश होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पेपर कॉपी में राइट करनी है। क्वेश्चन हम आपको देंगे पीडीएफ के थ्रू आज, और कुछ आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यदि किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।